हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे आए हो? आप लोग अच्छे ही होंगे। देखिए मैं पनीर बना रही हूँ, इसमें तेल डाल रखी हूँ, बस फ़ौरन डाल दी हूँ। उसके बाद देखिए तेज़पात डाल दी हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा गर्म होने तक भून लूँगी, फिर इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। अभी इसमें मैं प्याज डाल के फिर वो लाल होने तक भून लूँगी। देखिए दोस्तों, अभी मैंने प्याज डाला, फिर उसके बाद देखिए लाल होने तक हम इसको भूनेंगे। जगह ये इसको भून लेंगे, जब लाल हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे। होने तक भून लिए, देखिए लहसुन मिर्चा प्याज अदरक ये सब कुछ इसमें पेस्ट बनाएंगे। और देखिए राजेश मसाला डाल दिए इसमें। फिर उसके बाद हम लोग जैसे पनीर बनाते थोड़ा चटक चाहिए होता है ना, इसकी वजह से हम दो दो पैकेट मसाला डाले हैं। और इसमें हल्दी डाल देंगे। हल्दी डालने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसको हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए, इसको पकाएंगे। पकाने के बाद इसको उसके बाद इसमें पका लेंगे। फिर उसके बाद जो पेस्ट बना हुआ है इसमें डाल देंगे दोस्त। इसमें पेस्ट डाल रही है। पेस्ट डालने के बाद इसको खूब पकाएंगे। पकाने के बाद देखिए इसको हम चला रहे हैं, चलाने से पूरा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको छोड़ देंगे 10-20 मिनट के लिए पकने के लिए। जब ये पक कर के तैयार हो जाएगा तब उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे मटर। हरा मटर इस समय नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ मिलता है कभी कभार को। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मलाई और दूध। दूध को डाल करके मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको फिर भी हम भूनेंगे, इसको भूनेंगे ये जब तक तेल ना छोड़ दे, इसको हम भूनते रहेंगे। ऐसे चला लेंगे, चला के ढक देंगे। ऐसा नहीं है कि चलाते ही रहें, इसको चला के ढक देंगे। उसके बाद ये पक जाएगा। पक करके तेल जब छोड़ देगा, अभी चला रहे थे इसको, देखिए तेल छोड़ दिया। तेल छोड़ने के बाद जब ये तेल छोड़ देगा समझ लीजिए आपका मसाला ग्रेवी तैयार है। उसके बाद हम इसमें कट करके पनीर ऐड करेंगे। देखिए हम पनीर इसमें डाल दिए कट करके। वो काटने का वीडियो हम नहीं इसमें डाले थे, लेकिन आपको बता दे रहा है। इसमें पनीर डाल देंगे। उसके बाद पनीर को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे। पहले थोड़ा सा पानी डालते हैं। पानी डाल करके इसको पका लेंगे। फिर पानी डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाले थे। उसके बाद इसको पकाएंगे। पकाने के बाद देखिए अब चला लेते हैं कुछ देर के लिए, इसको चला लेते हैं। फिर इसको हम छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। उसके बाद इसमें हम और थोड़ा सा पानी डालें। जैसे जब पकड़ने लगता है ना मसाला नीचे बीच बीच में, इसके वजह से थोड़ा सा और हम पानी डाल देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा देखिए पक जाएगा तो हम इस जितना हमको पानी चाहिए पूरे परिवार को खिलाने के लिए, हम उतना पानी इसमें ऐड कर देंगे। पानी देखिए ऐड करने के बाद अब इसको हम फिर से चलाएंगे। फिर चलाने के बाद अब इसको हम ढक देंगे। ढक करके छोड़ देंगे। हमारा पनीर बन करके हो जाएगा तैयार। देखिए ये हमारा पनीर बन करके, अभी हमारा पनीर बन करके हो गया तैयार। अब इसमें हम डाल लेते हैं धनिया पत्ती। उसके बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमारा पनीर बन के तैयार। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा आप लोग।